आचार आचार प्रतिष्ठा में आपके पास आऊंगा। आचार प्रतिष्ठा, क्या वाकई इसको एक धर्म से जोड़ दिया गया है क्या, और क्या वाकई इस प्रमोशनल इवेंट में आपको भी कोई धार्मिक या कोई पार्टी की राजनीति दिखती है क्या? देखिए गौरव जी, यहाँ पर एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री जी इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएं, तो हमें तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं अपने किसी भी संबोधन में ये कहा कि योग वो लेकर के आए हैं या उन्होंने विश्व को योग दिया है। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी चीज जो इसे धर्म से जोड़ने की बात है, तो हम तो हमेशा अपने सभी संबोधनों में ये कहते हैं कि देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन क्या है। हम सब जीवन में दुखत्र निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च, हम सब सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता है। फिर इस्लाम में हम उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, हिंदुइज्म में हम उसे आत्म साक्षात्कार कहें, क्रिश्चियनिटी में हम उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहें, ये सब योगस्थ स्थितियां ही हैं। यानी हर धर्म पथ हमें योग की ओर अग्रसर करता है और इसीलिए उसके ग्लिम्सेस हमें हर रिलीजन में मिलते हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ एक धर्म को दिखती है और सबसे रजा को दिखती है, वो जो चीज राशिद अलवी साहब को दिख रही थी थोड़ी देर पहले, वो आपको क्यों नहीं दिख रही? गौरव जी, जी गौरव जी, अंसार रजा साहब तो खुद योग करते हैं इसलिए मैं उनको, वो तो मानते हैं और योग के विरोध में वो नहीं है, ये 100% बात है। हाँ। और दूसरी चीज मैं एक जरूर कहूंगी गौरव जी, कि जैसे हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग और अंग्रेजी की मार्कशीट में लिखा होता है टोटल, तो योग का अर्थ ही है टोटल। तो जो चीज जोड़ने, योग का अर्थ है जोड़ना, तो आइए हम सब मिल करके जुड़ करके एक अच्छी शुरुआत है, देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और उसे एक उत्सव की तरह ही मनाएं। मुझे लगता है कि बीजेपी तो इतना प्रचार योग का नहीं करती जितना हर इंटरनेशनल योग डे से पहले कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करके बाकी लोग करते हैं। शाजी अलमी के पास यही सवाल लेके जा रहा था। शाजी अलमी जी